एक साल पहले कॉलेज पेपर देने गई युवती के साथ आरोपी वाहिद ने जबरदस्ती होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म की बात किसी से बताने पर बदनाम करने की धमकी दी, जिससे युवती एक साल तक चुप रही, लेकिन फिर भी बदनामी का डर दिखाकर आरोपी युवती से पैसे वसूलता रहा और सड़क पर सरेराह मारता पीटता भी रहा। युवती ने एक साल बाद मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए परिजनों के साथ मिलकर अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मध्यप्रदेश के हरदा जिले में युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने महिला थाने आकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था। युवती ने पुलिस को बताया कि 20 जुलाई 2022 को युवती हरदा पेपर देने आई थी, तभी आरोपी वाहिद युवती को कॉलेज के बाहर से इंदौर रोड स्थित होटल आश्रम में ले गया, जहां आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि बदनामी के डर से वो एक साल तक चुप रही, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं माना, बदनाम करने की धमकी देकर हजारों रुपए भी ले लिए। इसके बाद जब युवती बाजार गई तब आरोपी वाहिद ने पीछा करते हुए छाते से उसे मारने लगा। उसके बाद किसी तरह युवती ने हिम्मत करके एक साल बाद परिजनों को मामले से अवगत कराया और आरोपी वाहिद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी वाहिद के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ लव जिहाद करने और बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम आरोपी के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं उससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि आरोपी के ऊपर रासुका और लव जिहाद का भी मुकदमा कायम हो। साथ ही आरोपी के शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, उनासा डैम से जो भूमि भू अर्जन का उसने मुआवजा लेके आया, उसके बाद भी यहाँ पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि आरोपी के ऊपर उस अतिक्रमण की कार्रवाई हो, उसके मकान को अतिक्रमण, शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण किया उसको जमीन जोत किया जाए, सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए और आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।